लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि राज्य परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो इस क्रांतिकारी वीर और धर्म के पुनर्जागरण वाली ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ जिसने देश को एक दृष्टि दी है, फिर चाहे वो वीर क्रांतिकारियों के द्वारा हो या फिर धार्मिक पुनर्जागरण के दृष्टि से हो। संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, समर्थ रामदास जी, ऐसे महान संतों की यह भूमि रही है। और अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले की यह धरती है जिसको मैं नमन करता हूँ। ये सामाजिक समरसता की भी और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, उसको मैं नमन करता हूँ। मित्रों, हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यह पार्टी कोई टोला नहीं है, कोई कुनबा नहीं है। यह विचार के आधार पर, संगठन के कार्यकर्ताओं के आधार पर खड़ी हुई पार्टी है। देश में लगभग 2300 राजनीतिक दल हैं, उसमें से 59 दल क्षेत्रीय हैं जिनको चुनाव आयोग की मान्यता है और 7 ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिनको चुनाव की मान्यता है। हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि सभी पार्टियां वंशवाद से प्रेरित होती हैं, परिवारवाद से प्रेरित होती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विचारों से और संगठन के आधार पर खड़ी होती है, इसको हमको समझना चाहिए। सभी पार्टियां, परिवार ही उनकी पार्टी है, वो पारिवारिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पार्टी ही परिवार है, सारा पार्टी जो है वो परिवार के रूप में आगे बढ़ता है, ये अंतर है। अब अगर आप देखें तो अगर एनसीपी में कौन अगला अध्यक्ष बनेगा तो वो जग जाहिर है। शिवसेना की कमान कौन संभालेगा, जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, जग जाहिर है। हमारे बीएसपी की पार्टी के कमान कौन संभालेगा, जब जाहिर है। टीएमसी में अगला नेता कौन होगा, यह भी जग जाहिर है। डीएमके की कमान कौन संभालेगा, यह भी जग जाहिर है। हर एक पार्टियां वंशवाद से प्रेरित हैं और उनको चलाने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी कौन कमान संभाल रहा है और संभालेगा, यह भी जग जाहिर है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां कार्यकर्ता के आधार पर नेतृत्व संभालने का मौका मिलता है और अगला अध्यक्ष कौन होगा ये नहीं बता सकते, ये प्रजातांत्रिक तरीके से चुन करके बनते हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं किसी राजनीतिक दल में एक साधारण से परिवार में जन्मा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाए? ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, यह भी संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारे यहां वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है। हम किसी संप्रदाय के दृष्टि से काम नहीं करते। वोट बैंक राजनीति नहीं है। हमारे यहां है तो टैलेंट है, मेधा है, परिश्रम है, कार्यकर्ता की इंटीग्रिटी है और उसकी आंतरिक ताकत है जो उसको ऊपर ले जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं तो बहुत साथियों के साथ मिलता रहता हूं, हमारे विपक्ष के कई लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है। मैं देखता हूं उनका घुटन, मैं महसूस करता हूं कि वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं। भविष्य अंधेरा में दिखता है, दृष्टि कोई है नहीं, पार्टी की विजन है नहीं। किसी परिवार के को ढोने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा हुआ है। देश में कोई बदलाव लाने की चाहत है, ऐसा है नहीं।
राजनीति में कितने लंबे समय तक टिक पाएंगे यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव के साथ कह सकता है कि कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, आने वाला कल भी हमारा होगा, इस बात को हम गौरव के साथ कह सकते हैं। हम लोग अपीजमेंट में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग राजनीति में एकात्म मानववाद को आगे लेकर के चल रहे हैं, अंत्योदय को आगे लेकर के चल रहे हैं। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी तस्वीर सुधरे, वो सुधरेगा तो भारत मजबूत होगा, और भारत मजबूत होगा तो दुनिया में आगे बढ़ेगा, इस बात को हम लेकर के चल रहे हैं। यह हमारी दृष्टि है, यह हमारी दिशा है जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हां मित्रों, इस सारे को करने के लिए हमको मूल रूप से अपनी विचारधारा को संभाल कर और उसी रास्ते पर चलने की हमको प्रयास भी करना होगा, और हम उससे भटके ना इसकी हमको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने मई महीने में अपनी उंगली से कमल का बटन दबा करके 303 एमपी लोकसभा में भेजे। पहली बार इतनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंची, और मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, और अमित शाह जी ने अपना रणनीतिकार के रूप में, सूत्रधार के रूप में धारा 370 को 5 और 6 अगस्त को धाराशाही कर दिया। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और मित्रों, कई बार हमको लगता है यह भावनात्मक विषय था, कई बार हमको लगता है कि देश एक हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो, यह भावनात्मक विषय हमने पूरा किया है। लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं था, यह विषय जम्मू कश्मीर को विकास की ओर अग्रसर करने का भी विषय था। आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा हूं लंबे समय तक। जम्मू कश्मीर के लोग एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। सारी राजनीतिक शक्तियां दो परिवार और एक राष्ट्रीय पार्टी के बीच में सिमट गई थी। धारा 370 का आड़ लेकर वो जम्मू कश्मीर में जो चाहते थे वो करते थे। अलगाववादी भाषा को बल मिल रहा था, आतंकवादी अपना तांडव नृत्य करने के लिए प्रेरित होते थे। ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि धारा 370 की आड़ में नेता हमेशा मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को आने से रोकते थे। इसलिए मित्रों, ये धारा 370 सिर्फ यही नहीं है कि मोदी जी ने एक भावनात्मक विषय को उन्होंने पूरा कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, तीन प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री वेस्ट पाकिस्तान से आए, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल, ये दोनों वेस्ट पाकिस्तान से आए और भारत में प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण अडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, ये भी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी। लेकिन जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू आकर के बस गए, कश्मीर में आके बस गए, वो काउंसलर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, काउंसलर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास स्टेटहुड नहीं था। आज धारा 370 हटी है, अब वो चुनाव लोकसभा का भी लड़ेंगे, विधानसभा का भी लड़ेंगे, काउंसलर का भी लड़ेंगे, वो वहां से मुख्य धारा में शामिल होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। मैं पूछ पूछ के थक गया कि बताओ कि CAA में तुम्हारे को कौन सी तकलीफ है। अभी तक तकलीफ कोई नेता नहीं बता सका, कोई नहीं बता सका। हम CAA का विरोध करते हैं, इनके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रथम है और देश बाद में है, और हमारे लिए देश पहले है, वोट बैंक बाद में है, और वोट की राजनीति बाद में। वी वर्क फॉर द नेशन, हम देश के लिए काम करते हैं, हमारा उद्देश्य देश को आगे बढ़ाने का होता है। कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, किसकी आंखों में त्योरियां आएंगी, यह हमारा उद्देश्य नहीं होता।
हमारा उद्देश्य होता है कि देश के लिए जो उचित है उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम समर्पित हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां महाराष्ट्र में आया हूं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 5 साल जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार चली है उसने अकल्पनीय काम महाराष्ट्र के विकास में किया है, उसको हमको समझना चाहिए। और यह मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज विपक्ष भी महसूस कर रहा है कहां गए वो दिन जब विकास की हम कहानी लिखा करते थे। आजकल जिस तरीके का विकास के कामों में रुकावट आई है वो जग जाहिर है। मैं अगर आपको बात बताऊं, देवेंद्र जी के नेतृत्व में 16 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हुआ था, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं नाम नहीं गिना सकता हूं 16 लाख करोड़ में कहां मेट्रो है, कहां रेड है, कहां हाईवे है, कहां डैम है, कहां प्रोजेक्ट्स, लेकिन 16 लाख करोड़ का खर्च ये कोई छोटी घटना नहीं है। एजुकेशन में हम 5 साल पहले 17वें स्थान पर थे, 17 स्थान था हमारा। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 3रे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया, 3rd पोजीशन पर। हेल्थ में हम 5 साल पहले 6ठे स्थान पर खड़े थे, 6th। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र 3रे स्थान पर हेल्थ में खड़ा हो गया। ये छोटी घटनाएं नहीं होती इन मित्रों, लगता आसान है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ये 2 साल के बच्चे को 14 टीके लगाना और ढूंढ ढूंढ करके लाके डालना और उसके कारण आने वाले 10 साल में ये पता चलना कि बीमारी की संख्या घटी है, ये छोटी घटना नहीं होती है। खून पसीना एक लगाना पड़ता है तब जाके नीतियां बनती हैं और नीतियों के इंप्लीमेंटेशन से भारत की तस्वीर बदलती है, महाराष्ट्र की तस्वीर बदलती है। यह हमको समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो 3 times more इन्वेस्टमेंट हुआ, 3 times more, जो 5 साल पहले खर्चा होता था उससे तिगुना खर्च किया गया। अगर हम जलयुक्त शिवार की बात करें तो एक रिकॉर्ड ब्रेक काम हुआ और दुनिया में और देश में इसके रिसर्च स्टडी होनी शुरू हुई कि जलयुक्त शिवार का काम जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में हुआ वो कभी नहीं हुआ। इस बार हर एक दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पार्टी ने मिल करके इसको आगे बढ़ाया है। अब एक जनादेश आया, जनादेश हमारे पक्ष का रहा, यह जनादेश का अपमान हुआ, महायुति तोड़ी गई व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बड़े स्पष्ट रूप में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को दिया, इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। ये जनादेश हमारा था, जनादेश का अपमान हुआ, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण लोगों ने अपने अपने तरीके से इस जनादेश को अपमान करते हुए सरकार बनाने का प्रयास किया। ये उनकी मर्जी जाने वो जाने, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दिस इज एन अनरियलिस्टिक एंड अननेचुरल अलायंस। वो कैसे चलते हैं वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन आए दिन घटनाएं बढ़ेंगी, वीर सावरकर पर टिप्पणी होगी और राजा मूक मूक दर्शक होगा, छत्रपति शिवाजी का अपमान होगा और राजा मूक दर्शक होगा। ये अननेचुरल अलायंस के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इससे कोई बच नहीं सकता, इसलिए वो जाने, उनकी बुद्धिमानी जाने, उनका कार्य जाने। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक निवेदन करने आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ध्यान रखना, ये भगवान ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है और एडवर्सरी को अपॉर्चुनिटी में बदलना ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। ये मौका भगवान ने इसलिए दिया है कि आगे चलकर तुमको किसी से युति न करनी पड़े, ऑल वर्सेस वन, वन इज बीजेपी, इस पर हमको काम करना है।
सांसदों से इतनी लंबी यात्रा की है, मुझे साफ दिख रहा है अगला महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि चाहे वो गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो मोहल्ले में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो जिले में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी कॉरपोरेशन में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, फिर यो चाहे विधानसभा में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ सच्चाई को समझकर पढ़कर पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, इसकी ताकत पैदा करनी चाहिए। हड़बड़ाहट में नहीं, पूरी शिद्दत के साथ टिक करके खेलने की आदत बनाओ, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, यह हम आपको बताना चाहते हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को सारी पैम्फलेट्स को बिल्कुल नीचे तक गहराई तक पढ़ने की जरूरत होती है। वी आर नॉट पोस्टमैन, हम पोस्टमैन नहीं है कि देवेंद्र जी का संदेश पहुंचाने आए हैं, दादा पाटिल का संदेश पहुंचाने आए हैं। दादा हमारे प्रदेश के नेता हैं, देवेंद्र हमारे प्रदेश के नेता हैं, लेकिन मैं अपने मोहल्ले का नेता हूं, हर प्रश्न का जवाब दूंगा और मैं देवेंद्र फडणवीस बनकर के खड़ा होऊंगा, इसके लिए काम करना है। आप बताइए कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में स्टेबल गवर्नमेंट चली कि नहीं चली? देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने परिवर्तन, मूल चूक परिवर्तन किया कि नहीं किया? हम आप बताइए, डेवलपमेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हेल्थ में काम हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीकल्चर में हुआ कि नहीं हुआ? एजुकेशन में हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको परिवर्तन करने का माध्यम है कुर्सी। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, कुर्सी माध्यम है समाज की, देश की, प्रदेश की तस्वीर बदलने का। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देवेंद्र जी प्रदेश के नेता हैं तो तुम अपने गांव के नेता हो, तुम अपने इलाके के नेता हो, आप अपने मोहल्ले के नेता हैं, आप अपने कॉरपोरेशन के नेता हैं। और इसलिए नए भारत का निर्माण जो मोदी जी ने 2022 का कल्पना करके रखी है, उस नए भारत के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहने वाला है। और वो विशेष योगदान रहने वाला है तो आपको भी आवश्यक होगा कि आप मुद्दों के साथ लैस होकर और हर बात का जवाब देने की ताकत लेकर आप जमीन पर लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदलेंगे, एक सीरियस पॉलिटिकल वर्कर के रूप में आप काम करेंगे और महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे। ऑल वर्सेस वन बीजेपी, इसकी तैयारी करेंगे और अकेले अकेले हम विजयश्री होंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं।